मेरे ख्याल नो कतल तू ज्यादा ध्यान देवे कि ओना दी चीजा जेडी तू यूज कर रहे हो ओना बैन करो हर कंट्री दा वीए लिख मतलब जेड़ा कमेंट है ना हर कंट्री मैं ये गल है सब कीती कि असी दुनिया दी दूजे नंबर ते सब तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ओ आई सी वो इन्नी दुनिया दे दूसरे नंबर ते पहले यूनाइटेड नेशन दूसरी हो लेकिन उन्हें इत्तेहाद कोई नहीं मुद्दा है वे सिठे दूजा वड्डा मजहब है इस्लाम दूजा वड्डा मजहब इस्लाम मसला मेन मसला मसला की है हुजूर पाक सल्लम दे पहले ईसाई ने लोग कहंदे ने कि हुजूर सल्लम दे दौर च चेंज होया है यार हुन भी ओही कुछ हो रहा है वेखो ना 56 मुल्क ने कोई सपोर्ट कर नहीं सकदे सी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੜਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਜਿਹਹਾਦ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਹਾਦ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੋ ਬੈਨ देखो मेन पॉइंट है अगर सारे मुसलमान इकट्ठे हो एक मुल्क ना बनने कुछ नहीं एक मुल्क जो मर्जी कर लोगे ना ओ आई सी बने का मकसद होया कोई कामयाब नहीं होया मकसद की बनया फायदा ही कोई नहीं होता सानू यार वो एक बेकार दे एक इदारा बना ले एक ना दा इदारा है बस तुसी ए, कोई फायदा नहीं सानू पर्सनली ना दा इदारा देखो ए तुसी नहीं कह सकते कोई फायदा आज सलाब आ जाए ना तुसी ओ आईसी तो नहीं कतरा सकते दसो किवें कतराओगे इमदाद करनी और 56 कंट्री च एक कंट्री चाहे वह मरदा पे हो या जिंदा हो उस इमदाद करनी ही करनी है क्योंकि राइट्स ने इसराइल दे जिहड़ा सदर सी ना या वज़ीर आज़म सी उसे बयान दिता उस आख्या कि अगर मैनू किसी मुल्क तो खतरा है ना तो सिर्फ पाकिस्तान है सानू सिर्फ पाकिस्तान बाकी किसी मुल्क सानू कोई खतरा ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਇਰਾਕ ਇਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਫਿਤਨੇ ਐਣ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਤਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁੰਨੀ ਵਾਬੀ ਸ਼ੀਆ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਸੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਭਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਾਬੀ ਸੁੰਨੀ ਐਲ ਐਚ ਸੀ ਓ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਨਾਲੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਇਸਰਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੈ ਮੁੜ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਬੀ ਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਕਰਦਾ ਦੋ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ यार मैं ही तो ना मेन मुद्दा पैसा है मेन मुद्दा था पैसा है ना हां हां बिल्कुल ओके में सही यार दस दे नहीं पैसे के पैसे नाल खरीदना थी पैसे नाल हुकूमत मैं ही तो ना उस पैसे नु हट उन्होंने जो चीज खरीदना उन्होंने बैन करिए असि उन चीज नु बैन करिए पहला मेन पॉइंट है वो तो हर मुसलमान मंगता है जो मुसलमान है माड़ा ने जो बरकत है वो तो मंगता ही है ना ए ना बिल्कुल दुआ शाह मंगिए अल्लाह को माफी मांगिए कि वो उनके बदले उन्होंने को रिहाई मिल जाए हां जी अच्छा मैं दस रहा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं जितने ओआईसी के मेंबर ने ना अच्छा जो तकरीबन मोस्टली 56 या 57 तकरीबन 40 कंट्री ऐसे ने जिड़े कि अपने आप नो मतलब वेल वेल्थ ने ठीक है तकरीबन 35 टू 40 कंट्री अगर वो सपोर्ट करन उन्होंने जेडे के वेल्थ के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा वीक ने तो सू जरूरत ही ना पवे मतलब आउट कंट्रिया को चीज़ा लैन की या आउट कंट्रिया अगर जाके हाथ फैलान की मतलब इसराइल ने ना हाँ हेल्प आउट कर एवरी स्पॉट पर कोई भी स्पॉट ना मतलब मसला बनता है उन्होंने जाके ना हेल्प ताकि अमेरिका की हाथ ना फैलान फलस्तीन जेड़े ना दूसरे फलस्तीनी ने इसराइल की अगे झुकन ना क्योंकि उन्होंने हेल्प आउट हुई नहीं उन्होंने जरूरत ही नहीं है गजा की या किसी चीज़ की तो मैं मेरा पॉइंट है कि अगर इस तरीके अगर चलन ना तो फिर जितने भी कंट्री ने एकदम उत्थित हो जाते हैं फिर उन्होंने दूजे कंट्रिया को चीज़ लैन की जरूरत नहीं पैंती या उन्हें यूज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पैंती साडा एक कॉमेंट है तुम कहते हो कि अगर तुम जंगबंदी नहीं चाहते कहते हो या तो फलस्तीनी जड़े ने उन्होंने जाके पाकिस्तानी उत्थे जाके इमदाद करन हाँ। या फिर पाकिस्तान दी चू आवाम जावे जाके जिहाद करे मतलब जंगबंदी नहीं चाहते जंगबंदी हो जाए तो बहुत अच्छी बात अगर जंगबंदी नहीं होंगी तो फिर तो
जंग बंदी सिर्फ उत्थे नहीं मुतासर हो रहा, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। जितने कंट्री ने ना, जितने कंट्री ने ना, नहीं भाई जीता है, भाई जी गल की जंग बंदी बंद होनी चाहिए, क्योंकि इनके से एक कंट्री या दो कंट्री नहीं इन्वॉल्व, जितनी कंट्री ने ना उन्होंने सारा में सारा हो रहा है और बहुत ज्यादा इंपैक्ट पै रहा है। ठीक है, और सब ना ज्यादा जो इंपैक्ट पै रहा है वो अमेरिका से पै रहा है अगर देखा जाए ना, क्योंकि जी अकवामे मुतहदा हुई अमेरिका है तो जितनी उन्होंने जी जिन कहें फेमनस ठीक है वो खराब होंगी पी है ना, वो साड़ी नहीं होंगी पी, साढ़े तो सिर्फ ये कि साढ़े इकोनोमिकली असं डीग्रेड हो जाएंगे मैक्सिमम। इस तो अलावा देखने मुसलमान तो एक किस्म की लड़ियाँ जंग हो रही सारे मुस्लिम कंट्री متحد ہون بالکل ٹھیک متحد ہون جنگ دار پاکستان دے نال فلسطین دی جنگ نہیں ہے اے جنگ ہے مسلماناں دی جنگ بالکل اے مسلماناں نوں رل کے تے یہودیاں نال کیونکہ کوٹ کیتا گیا ہے سن سپیشل کوٹ کیتا گیا ہے اس معاملے مسلماناں نوں ٹارگٹ کیتا گیا ہے جی ہاں سر ایک عام گل نہیں اسی میں نے گل کرنا ہم سب کے مین ہے کہ اسی دوجا بڑا مذہب ہاں लेकिन बड़े सोहना जो भी अपने कमेंट दिते ने अच्छे दिते ने। चलो मेरा कमेंट है सब तो पहले तो यह काम होने नहीं चाहिए, ये अमेरिका ने चाहिए सी कि मैं सुपर पावर हाँ, सुपर पावर ताकत पूरी मखाता कि मैं वाकई सुपर पावर हाँ, दस कारण भाई ये काम नहीं करना, छोटे छोटे बच्चे ने कुछ वेखो यार बड़े बंदे मतलब ही होंगे पर निक्या समझा इंसानियत नाते करदार छोटे बच्चे शहीद कर दे लगता हूँ भी जो हो चुका है ना हूँ भी बेहतरी इस चीज़ है अमेरिका ने हूँ भी चाहिए अपना किरदार हूँ सही तरीके अदा कर हाँ बिल्कुल ताकि हूँ भी जंग बंदी करवा सके ठीक है फिर भी यही काम है अगू ना ना हो अगला ना हो भी बेहतरी इस चीज़ है यूएनओ का भी मेन रोल ही होना चाहिए उन्होंने चाहिए कि सपोर्ट करना है बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए हूँ जो मुसलमान मुसलमान ईसाई यहूदी ये ठीक है लेकिन कम से कम इंसान तो सारे ही ने ना बिल्कुल हां जी इंसान ही है या भाई इंसानियत ह्यूमैनिटी के नजरिए के मुताबिक कम से कम ये तो सोच हर बंदे च है कि इंसान जेड़े ने ना वो बराबर ने क्योंकि जिंदा ने सांस लेते ने खांदे ने पींदे ने हक के उनके राइट्स ने बिल्कुल सुनाते ही चलो कम से कम कर यार देखो मैं सोचना कि हुन तकन पाकिस्तान नु जे कोई अटैक हुंदा ना किधरे भी बम ब्लास्ट होंगे तो कहें ये टैरोरिस्ट पाकिस्तान है टैरोरिस्ट अगर वेखिया जाए तो फल जो ना दूसरा इसराइल सारा वाला टैरोरिस्ट तो है ही जरा जरा यार उन्होंने होस्पिटल ने भी नहीं छड़ रहा गजा के उत्ते उस बंबारी होस्पिटल के अंदर की है स्कूल के अंदर की है टैरोरिस्ट मेरे ख्याल सिर्फ ये कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने वास्ते लोग जो बाकी लोग टॉर्चर कर देने ना टैरोरिस्ट बिल्कुल सही गल है ये राइट है लेकिन अगर फलस्तीन वाले उन्होंने कुछ भी नहीं आते वो घर बैठे ने अपने उन्होंने ना हिला जिथे रहने उत्थे रह लोग भी तो कट्ठे रहते पे बिल्कुल साडा मुल्क है ये मर्जा ही रहते पे देखो ना एक बंदे नु कतल करना 100 बंदे दे कतल दे बराबर ठीक है वो बाय ह्यूमैनिटी होना है ना हज़रत सल्लम दी हदीस है ठीक है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक बंदे का कतल 100 बंदे का कतल ही है ना अगर ये हर बंदे जानता है एक एक बंदा नहीं हर बंदे को पता चाहे वो यहूदी है चाहे वो ईसाई है या मुस्लिम है ठीक है इनू ह्यूमैनिटी के जरूर तरीके नाल वो यूज कर लवे तो अगर वो ऐ काम करे ना नहीं नहीं इस चीज़ को मनते ने वो हर चीज़ इंसानियत को लाजमी मनते ने हर बंदा जितना इंसानियत अगर देखा जाए ना मतलब प्रीवियस ईयर जितनी इंसानियत इखलाक किया जितनी मतलब फॉरनर को ने ना इन शायद मे भी मुस्लिम उस चीज़ को अवॉइड कर चुके हैं लेकिन शो नहीं करते इंसानियत
अपनी राय तुसी दियो ते साडे जिहड़ा पेज है लाइक लाजमी करो YouTube चैनल सब्सक्राइब भी करो हम भीख नहीं मांग रहे अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर करो अगर नहीं लगती तो डेट्स ऑल यू शुड लीव इट पंजाबी चैनल अपने आप तो बाहर हो जाना कभी तो इमरान